गुड मॉर्निंग क्लास सेकेंड, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर एडिशन विद कैरिंग। ओके, एडिशन विद कैरिंग, दिस इज योर चैप्टर एडिशन विद कैरिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू एड कैरिंग। ओके, हाउ टू एड विद कैरी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सो लेट्स सी हाउ टू एड 25 and 17। ओके, सो सी एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पर आपका एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ये देखिए आपका इस तरीके से लिखा हुआ, कैसे करा है आपने, ये देखिए आपका 25 लिखा है और 17 लिखा है। ठीक है, तो आपकी प्लेसेस हैं यहाँ पर, क्या हैं प्लेसेस हैं, तो देखिए ये आपकी कौन सी प्लेस है, वंस प्लेस। ये आपकी कौन सी प्लेस है, टेंस प्लेस। तो आपको करना क्या है, जो आपके वंस प्लेस के नंबर हैं उनको एक साथ ऐड करना है और जो टेंस प्लेस के नंबर हैं उनको एक साथ ऐड करना है। ओके, तो देखिए आप कैसे करेंगे इसको। देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा है, पहला नंबर आपका 5 है, सेकेंड नंबर आपका क्या है, 7। क्या है, 7। तो देखिए मैं कैसे करूँगी उसको, पहला नंबर आपका ये क्या है, 5, और ये फिर 7 है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे उसमें, हमें इसको ऐड करना है। तो देखिए हम इसको कैसे ऐड करते हैं, 5 और 7 को हमें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर 5 और 7 हमने लिया, हमने ऐसे 5 लिखा और हमने 7 लिखा, तो हमने इसको ऐड किया जब, तो आंसर क्या आता है, तो आप काउंट करिए, काउंट फिंगर्स से काउंट करिए। देखिए पहले आपने 1 2 3 4 5, ये 5 हो गए आपके, देन हमने क्या लिया, 7 और लिया, प्लस कर दिया 7 और लिया, 1 2 3 4 5 6 7। ओके, ये आपकी कितनी लाइन है, पहले आपकी 5 लाइंस लिखी हुई हैं, देन आपकी क्या है, 7 लाइन लिखी हुई हैं। ओके, आपको काउंट करना है लाइंस को, तो आप काउंट करेंगे। देखिए आप काउंट करिए इसको, तो काउंट करेंगे कैसे करेंगे काउंट, देखिए आपका ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, आपका कितना हुआ, 12 हुआ, कितना हुआ, 12 हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह क्या लिख देंगे, तो आपको 12 नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपका, इसको सॉल्व करने पे आंसर कितना आया, इसको सॉल्व करने पर आंसर कितना आया, 12। लेकिन आपको 12 नहीं लिखना है, क्या लिखना है आपको, देखिए मैं यहाँ पर एक बार कर देती हूँ, ये 5 है आपका, ये 7 है, इसको आपने प्लस किया तो कितना आया आपका, 12 आया। क्या आया, 12। लेकिन आपको 12 नहीं लिखना है, आपको ओनली जो वंस प्लेस पर नंबर है, आपको जो ओनली वंस प्लेस पर नंबर है आपको ओनली वो लिखना है। ठीक है, ये लिखना है आपको, और जो आपका टेंस प्लेस होगा, जो आपका क्या होगा, टेंस प्लेस, ये वाला प्लेस, इसको आपको क्या करना है, कैरी, ये क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। तो देखिए आप या क्या करेंगे, यहाँ पर आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप आंसर लिखेंगे, ये देखिए आंसर मैंने यहाँ लिख दिया, 2 आ गया, कितना आ गया, 2, और आपने कैरी कर दिया 1, कैरी क्या कर दिया है, यहाँ पर 1 कैरी हो जाएगा। ठीक है, ये 1 आपका टेंस प्लेस पर कैरी हो जाएगा। अब आपको देखिए क्या करना क्या है, अब आप ये जो सारे नंबर्स लिखे हैं इसको आप क्या करिए, भूल जाइए, क्या कर दीजिए, भूल जाइए। ठीक है, ये सारे नंबर्स आप भूल जाइए। अब आप क्या करना है, आपको ये जो नंबर लिखा है टेंस प्लेस पर, आपका जो टेंस प्लेस पर नंबर लिखा है ये वाला, इसको आपको क्या करना है, ऐड करना है, और उसके साथ साथ आपको कैरी भी ऐड करनी है। ओके, तो देखिए कैरी को भी ऐड करेंगे हम, तो देखिए यहाँ पर क्या हो चुका है, अभी मैं इसको इरेज कर देती हूँ जो भी लिखा हुआ है, उसके बाद देखेंगे हम क्या है। तो देखिए इसमें क्या है, ये हम लोग यहाँ पर क्या लिख चुके थे, यहाँ पर हम लोग लिख चुके थे इसका आंसर कितना आया था, 2 आया था, कितना आया था, 2। ओके, कितना आया था, 2 आया था, तो हम यहाँ पर 2 लिख चुके हैं, और यहाँ पर हमारी कैरी क्या थी, 1 थी। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो देखिए अब हम इसको ऐड करेंगे टेंस प्लेस को, तो टेंस प्लेस में आपका क्या क्या है, देखिए टेंस प्लेस में आपका 2 और 1 है, क्या है आपका, 2 और 1। ओके, 2 और 1 है, लेकिन आपके कैरी भी है, तो आप क्या करेंगे, इसको भी आप साथ में ऐड करेंगे। ओके, तो अब आपको ये तीनों नंबर्स को साथ में ऐड करना, तीनों नंबर्स को साथ में ऐड करना है। ओके, तो आप तीनों नंबर्स को ऐड करेंगे, तो देखिए ऐड करने पे मैं यहाँ लिख देती हूँ कैसे ऐड करेंगे, 1 है पहले, प्लस फिर कितने, 2, तो 1 2, फिर कितना है आपका, 1, तो 1, तो कितने हो गए, कितने डॉटेड हो गए यहाँ पर, देखिए 1 2 3 4,
कितना आंसर आ गया आपका? 4 आ गया। ओके, तो आप यहाँ पर भी क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 4। तो देखिए आपका यहाँ पर टोटल आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, जो टोटल आंसर है वो आपका क्या आ जाएगा, देखिए टोटल आंसर आपका आ जाएगा 4। ओके, क्या आ जाएगा आपका? 4 आ जाएगा। ये कैरी ऐड करनी थी और यहाँ पर आप क्या लिख देंगे? 4। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 42। ओके, ये आपका आंसर है, ठीक है, ये आपका क्या है? आंसर है। ओके, तो देखिए हम कैसे करेंगे इसको यहाँ पर। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, वो तो आपका ऑलरेडी सॉल्यूशन लिखा हुआ था। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, तो इसको देखेंगे हम। ओके, इसको हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को, ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। तो आप इसको देखिए कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करना क्या है, पहले आप जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस उसको आप क्या करेंगे? ऐड करेंगे। ये आपकी क्या है? वंस प्लेस, तो आप इसको ऐड करेंगे। ओके, तो देखिए आप 9 + 2 को ऐड करना है, तो आप क्या करेंगे? 9 हमने क्या बना लिए? लाइन बना ली, मान लीजिए कितनी लाइन बना ली? 9 लाइन्स। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, देन प्लस एंड देन क्या है? 2 1 2। ओके, अब आप इसको क्या कर लेंगे? काउंट कर लेंगे। तो देखिए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितना हो गया आपका? 11 हो गया। ओके, तो अब आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? आपका आंसर कितना आया है? आपका आंसर कितना आया है यहाँ पर? 11 आया है। क्या आया है? 11। लेकिन आप 11 नहीं लिखेंगे, आप ओनली क्या लिखेंगे यहाँ पर? ओनली 1 को लिखेंगे, ठीक है, और 1 आपकी क्या हो जाएगी? कैरी हो जाएगी। तो देखिए अभी आप, मैं क्या लिख देती हूँ यहाँ पर, आपका 1 आंसर लिख देती हूँ मैं, यहाँ पर मैं आपका 1 आंसर लिख देती हूँ। ओके, और आपकी कैरी लिख देती हूँ यहाँ पर 1। ओके, ये आपकी कैरी हो गई। अब आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो दूसरा नंबर है, ये दूसरा नंबर क्या है? ये 1। ओके, तो आपको 1 को ऐड करना है। क्या करना है? 1 को ऐड करना है, लेकिन इसके साथ करना है आपको ऐड। ओके, 1 + 1 क्या हो जाएगा? सिंपल, 1 + 1 आपका कितना हो जाएगा? 2। ओके, क्या हो जाएगा? 2। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे? 2। तो आपका आंसर टोटल क्या हो गया? 21। ओके, ये आपका आंसर नंबर ए था। अब आप देखिए, आप होमवर्क में क्या करेंगे, आप होमवर्क में देखिए क्या करेंगे, आप होमवर्क में करेंगे ये वाला क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन करेंगे? देखिए क्वेश्चन नंबर आप बी करेंगे, बी एंड सी। ओके, तो आपका होमवर्क देखिए यहाँ पर मैंने लिख दिया है, यह आपका होमवर्क है। ओके, ये आपका होमवर्क है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर बी एंड सी, ये आपका होमवर्क हो गया है, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया होमवर्क। ओके, थैंक यू सो मच।